हेलो एस्टारियन, मैं ओम क्रिसमस फैकल्टी स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल आपके सामने केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट जनरल केमिस्ट्री लेकर के आया हूं। और एक सीरीज हमारी चलेगी जिसमें लगातार 30 लेक्चर में आप पूरी की पूरी जनरल केमिस्ट्री को समझेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जनरल केमिस्ट्री नाम का कोई पार्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो सबसे पहली बात जिसके लिए हम जनरल पे जा रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप में बड़ा विवादास्पद शब्द है जनरल, आप समझ रहे होंगे इस बात को। फिलहाल हम जिसके लिए जनरल पे जा रहे हैं वो समाधान है, वो सलूशन है। किसका सलूशन है? डिफिकल्टी का। जब तक आप जनरल नहीं होगे तब तक किसी डिफिकल्टी का कोई समाधान नहीं दे पाओगे। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए जनरल होना होता है, जनरलाइज्ड होना होता है। और साइंस जनरलाइजेशन का ही नाम है। साइंस की डेफिनेशन ही सही यही है कि आप पूरी तरह से जनरलाइज्ड हो जाओ, सबके लिए हो जाओ, सर्व सुलभ हो जाओ, एरर ना रह जाए। और एरर को कभी भी टेरर से दूर नहीं किया जा सकता। एरर कांट बी इलिमिनेटेड फ्रॉम टेरर। तो केमिस्ट्री के साथ बड़ी समस्या इसी टेरर की है, कठिनाई की है। हम में से अधिकांश या सबको ही एकाध स्टूडेंट को छोड़ करके केमिस्ट्री बहुत ही नीरस, उबाऊ और डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। ऐसा क्यों है, क्यों ये डिफिकल्ट लगता है? तो एक तो इसमें इतने सारे फार्मूले हैं। देखिए, फार्मूले में वैसे ही फार आ गया, मतलब बहुत है दूर है वो। तो इसका बेस ही है जो आपसे बहुत दूर है। छोटा सा नन्हा सा K2Cr2O7 न जाने अपने में क्या क्या समेटे हुए। वो तो जब हम खोलेंगे ना K2Cr2 से पूछेंगे कि चलो यार तुमसे बात करते हैं, तुम आए कैसे हो, तो वो बताएगा कि भैया मुझमें K है नन्हा सा, जो बेचारा फर्स्ट डे से आया है। और फिर Cr2O7, अब फिर उस Cr2O7 का के साथ तालमेल, दोनों तो अलग दुनिया के, दोनों का कोई वैचारिक साम्य ही नहीं, फिर भी बंधन, फिर भी गठबंधन, फिर भी जुड़ गए। और जुड़ करके कमाल करते हैं, और फिर जब तोड़ते हैं तो उस तोड़ने में भी कमाल। तो इसी फार्मूले की ये डिफिकल्टी है। अब जनरल में हम जनरलाइज चीजों को पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री के हर एस्पेक्ट पे लागू होते हैं। तो अगर फिलोसफिकल न हूं, दार्शनिक विचारधारा न रखूं, केवल सिद्धांततः आपके नीट लेवल पे बात करूं, उससे ऊपर का लेवल मुझे समझ में भी नहीं आता, मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता। लेकिन नीट में जो गाइड करने का 20 साल का मेरा अपना अनुभव है और लगभग अपने शिक्षण का, अपने प्रशिक्षण का जो अनुभव है, उन सबको ये समग्रता के साथ जब देखता हूं तो पाता हूं कि मेडिकल का जो एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए इन जनरल के पार्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। मजेदार हो जाती है केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज, एनर्जी के कॉन्सेप्ट के द्वारा प्रिडिक्शन, प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसा बनेगा, कितने जल्दी बनेगा, कितने तेज बनेगा, इतने को ही एक साथ समेट लिया तो ये जनरल केमिस्ट्री है। और इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ जोड़ दिया तो वो फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, जैसे पूछ लूं आपसे कि आलू क्या रुपए किलो इस समय मार्केट में बिक रहा है,
तो आप सब बता देंगे। पूछ दूं कि 1500 किलो आलू का दाम बताइए, तो आप में से बहुत लोगों को जो है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेन पेपर की जरूरत पड़ जाएगी। इतना ही पार्ट है फिजिकल का। जब जनरल आप समझ लेते हैं तो एक कैलकुलेटर की जरूरत है। हाँ, कैलकुलेटर अच्छे क्वालिटी का हो, मतलब आपका जो ब्रेन हो वो वेल ट्यून्ड हो कैलकुलेशन के, ठीक है। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उस समय कुछ भी अनवांटेड चीजें आपके दिमाग में ना चल रही हो तो कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा तो सवाल सीधे सीधे निकलने लगेंगे। तो ये पार्ट जो है जनरल केमिस्ट्री का। और कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है ये बता पाना संभव नहीं, ठीक है। किसी बड़े शिक्षक से किसी ने पूछा कि आप जहां भी जाते हो केवल एक गोला बनाते हो और इतना परफेक्ट गोला बनाते हो कि लगता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से बनाया है। तो कहा हाँ, पता नहीं क्या शौक था कि पिछले 20 सालों से गोला ही बना रहा हूं और आज भी इतना मोह हो गया है कि ये गोला छूटता नहीं। लेकिन अगर आप सीखने को तैयार हो तो उस गोले से मैं दुनिया की सारी चीजें सिखा सकता हूं। गोले का दायरा बढ़ाता जाऊंगा, रेडियस बढ़ता जाएगा और मेरे विचारों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी, मेरा शब्दकोश बढ़ता जाएगा, मेरा व्याख्या बढ़ता जाएगा, मेरे एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएंगे। अब तुम्हारी पात्रता जैसी है वैसे तुम जुड़ते जाओ। ऐसा ही कुछ कहा जाता है नॉलेज के बारे में। नॉलेज एक गोले से शुरू होता है। जैसे नन्हे क्लासेस में अगर हम लोग हिंदी के अल्फाबेट पे जाएं तो हम लोग एक सर्किल बनाना सीखते हैं और बाद में उसी सर्कल से न जाने क्या क्या जोड़ के क्या क्या बना जाते हैं। इमेजिनेशन की शुरुआत में लेटर से कुछ भी एक इमेजिन करा देते हैं, पता नहीं वो होता है या नहीं होता है। लेकिन एक इमेजिनेशन पे जब ब्रेन ट्यून्ड होता है तो हजारों इमेजिनेशन करने जाता है। क से अगर आपको कमल इमेजिन कराया है तो क से कबूतर भी हो सकता है, क से कपोल भी हो सकता है, क से करुणा भी हो सकती है। लेकिन क से कमल इमेजिन करना कुछ लोगों के लिए दुष्कर हो सकता है, क से कबूतर इमेजिन करना कुछ और लोगों के लिए दुष्कर हो सकता है, क्योंकि ये भी आज के दौर में किसी खास सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही कपोल कल्पनाएं ये अव्यवहारिक होती हैं। तो आप जिस लेवल पर हो, आपने जो एम बनाया है इसमें कपोल कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही तमाम जनरल सी बातें जिनका सीधे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, उनकी चर्चा हम अपने इस सीरीज में करेंगे जिसका नाम है स्टार विमर्श। और ये स्टार विमर्श खास एक बैच के लिए हमारा प्लान है, श्योर सक्सेस बैच। आप इस बैच से जुड़े, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लें और अगर आप इंटरेस्टेड हो केमिस्ट्री के किसी टॉपिक में, किसी प्रिंसिपल में, किसी भी एग्जाम्पल में, तो एक सर्कल के अंदर से वो चीजें निकाल करके आपको समझाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं और पक्का है आप जुड़ेंगे तो ये सर्किल आपको इंटरेस्ट देगा। अंतिम बात, नेचर के कुछ ही 2-3 आधारभूत नियम, उन्हीं नियमों पर सब चलता है। उसमें पहला नियम है स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का। कुछ भी हो रहा है इसका मतलब वो स्टेबल है। आज के दौर में जो भी चल रहा है आपको देखने में लगे वो खराब है, भले आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो लेकिन वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। स्टेबिलिटी के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, देखने की खंड दृष्टि हो सकती है। पार्ट में जब देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन बदलते हैं, उसको आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन कुछ और आएगा, उसको गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन कुछ और आएगा, एंट्रोपी के टर्म में देखेंगे तो कुछ और आएगा। लेकिन अगर समग्र रूप में देखेंगे तो स्टेबिलिटी ही आएगी। प्रकृति हमेशा स्टेबिलिटी की ओर जाती है, नेचर कभी भी अनस्टेबल नहीं होता है, नेचर को कोई अनस्टेबल नहीं कर सकता, नेचुरल ग्रोथ हमेशा स्टेबिलिटी की ओर आती है। ये पहला जनरल लॉ है। दूसरा लॉ है रिपीटिशन।
नेचर में हर एक फिनोमिना कुछ समय के बाद रिपीट करती है, इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। और इसी पे लंबा टॉपिक बनते बनते हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल निकल आता है, नन्हा सा हाइड्रोजन हानियम तक जाते हुए हंस देता है। तो ह से हा तक की कहानी, और भी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। लैब में कौन कैसे आया, लैब में किसने काम किया, एक एलिमेंट के पीछे कितने घंटे लगे, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो लेकर के हम आएंगे उनकी बातें। हाइड्रोजन की भी बात करेंगे, ठंडे हाइड्रोजन की बात करेंगे, गर्म हाइड्रोजन की बात करेंगे, आर्थो हाइड्रोजन की बात करेंगे, पैरा हाइड्रोजन की बात करेंगे, मस्त हाइड्रोजन की बात करेंगे, फ्यूचरिस्टिक हाइड्रोजन की बात करेंगे, सोडियम की भी बात होगी, रुबिडियम की भी बात होगी, सीजियम की भी बात होगी, चोरभंटी की भी बात होगी, पोटेशियम की भी बात होगी। मतलब हमारे पास तो लगभग लगभग आज के डेट में 118, पता नहीं लैब में कितने पे काम चल रहा होगा, वो काम का रिजल्ट कब आ जाएगा पता नहीं, किस क्षण जुड़ जाएगा, लेकिन कम से कम इतने तो हैं जिन पर बहुत सारी बातें करने को हैं। और उन बातों में कुछ काम की बात, जो काम की बात हो वो डायरी में लिख लेते हैं, जो डायरी में लिख लेते हैं उसको एनसीईआरटी से मिला लेते हैं, अगर वो एनसीईआरटी में नहीं है तो वो डायरी में नहीं होना चाहिए, फेंक देते हैं, बाकी डायरी रखे रहते हैं। इन ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, ऑर्गेनिक की बात, फिजिकल की बात, बगैर चाक उठाए मोल्स के सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, बगैर पेपर पेन के आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी गैस रिलीज होगी, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मेटलर्जी के कॉन्सेप्ट पर, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हुए, थोड़े से फिजिक्स वाले सर को याद करते हुए, ग्राफ के बारे में बताते हुए, इन बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो लंबी बातें करनी है, पूरा समय 30 घंटे का आपको, तो कोशिश करिए, जुड़िए, धन्यवाद।